नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त का फिर होगा डॉप टेस्ट, पास होने पर मिलेगा सिल्वर मेडल। योगेश्वर ने मानवता दिखाते हुए कहा, रूसी पहलवान के परिजनों के पास ही रहे मेडल। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाजों के समूह में शामिल हुए जॉन हेस्टिंग्स, श्रीलंका के खिलाफ 45 रनों पर 6 विकेट झटके। कंगारुओं ने 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज की अपने नाम। आर अश्विन जेम्स एंडरसन को पछाड़, दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन बने फिर नंबर 1 गेंदबाज। भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन तीसरे स्थान पर खिसके। स्टेन ने सेंचुरियन टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए थे 8 विकेट। यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंची विलियम्स बहनें, सेरेना विलियम्स ने रूस की एकाटेरिना मकारोवा को 6-3 6-3 से हराया। ब्रिटेन के एंडी मरे ने चेक गणराज के लुकास रोसोल को हराकर दूसरे दौर में बनाई जगह। पाकिस्तान के सांसदों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगाया आरोप, हिंदू होने की वजह से दानिश कनेरिया की मदद नहीं कर रहा है बोर्ड। कनेरिया पर मैच फिक्सिंग को लेकर लगा है आजीवन प्रतिबंध। और बीसीसीआई ने टाला मिनी इंडियन प्रीमियर लीग। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने टाइम जोन को बताया रोड़ा, सितंबर में अमेरिका में खेला जाना था मिनी आईपीएल। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।